मेरठ में किसान महापंचायत में मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, कृषि तीनों कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। उन्होंने कहा, ऐसे तो हर किसान मजदूर बन जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह सरकार लगातार किसानों का और आम जनता का उत्पीड़न कर रही है, अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है, दिल्ली की तरह यहाँ भी बिजली और पानी मुफ्त में दिया जाएगा, वहीं जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाई जाएगी। केंद्र सरकार जहाँ पहले खुद महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन करती थी, आज पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई है। इस पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो आम जनता भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगी। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है, हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है, हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है, और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके, ये कोई छोटी बात नहीं है। 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। हर चुनाव के पहले पार्टियां कहती हैं तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, किसी पार्टी ने नौकरी नहीं दी, किसी सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो मैं सोच रहा था, अब ये किसान जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, बॉर्डर के ऊपर क्यों बैठे हैं, इतनी ठंड क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना शरीर क्यों गला रहे हैं, अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं, जिंदगी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये 3 कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। सबकी खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और किसान किसानी करता है, वो किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक है अपने खेत, इसलिए किसान अपनी खेती बचाने के लिए जो बची कुची खेती है, ये डू और डाई का लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। इसलिए किसान आज बॉर्डर के ऊपर बैठा अपने शरीर को गला रहा है और अपनी शहादत दे रहा है। अभी जो केजरीवाल की महापंचायत थी उसका समापन हो गया है। यहाँ पर एक राष्ट्रगान के साथ उन्होंने पंचायत का समापन किया है। लोग बाग मंच पे काफ़ी आ गए हैं, काफ़ी भारी मात्रा में उनसे मिलने के लिए, मगर वो चले गए हैं। और हम आपको लगातार यहाँ की अपडेट दिखाते रहेंगे, आपका जो बैक साइड का दिखाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अभी देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर झंडा लेकर आए हुए हैं, इनसे मिलेंगे। कहाँ से? हेलो, सुनिए एक मिनट, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? आगरे से। आगरे से आए हैं आप, किससे मिलने आए थे? ये नहीं पता आप किससे मिलने आए थे यहाँ पे? आपको भी नहीं पता? अरे केजरीवाल। आप क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी किससे मिलने आए थे आप? ममता बिनते मिलने आए। कौन लाया था आपको? ममता। बबीता। कौन है बबीता? ममता। क्या नाम है आपका? बुरैया। हैं? बुरैया। बुरैया जी क्या नाम, कहाँ से, क्यों आए हैं आप यहाँ आज? आगरे जिले से आए हैं। क्यों आए? के पास में जे ममता अभी आई है, सुबिन के संग में आए। अच्छा, किन से मिलना आए थे? बिनते मिलने है जे का मिलिए जिनसे मिलना आए थे। मिल रहे यहाँ पर कुछ लोग आए हैं आगरा से, मगर उन्हें ये नहीं पता कि किससे मिलने आए हैं। वो थोड़ा शर्मा भी रही हैं, और मगर जो है किसका वो कह रहे हैं कि जो किसी के साथ आए, और जो बता देखते हैं कि महिलाएं फिर उनसे मिल पाती हैं नहीं मिल पाती हैं। जेबीएम टीवी से राउंड होना के लिए।